हेलो एवरीवन, हम लोग इस समय आए हुए हैं फोर्थ स्मार्ट सिटीज इंडिया 2018 के एक्सपो पे। और अगर आप देख रहे हो मेरे पीछे इस समय ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, आप पहला मुझे अभी ख्याल बताओ आपके मन में क्या आ रही, क्या गाड़ी है ये? नहीं, पर मैं आपको बताऊं, ये नैनो नहीं है। इस गाड़ी का जो नाम है, इस गाड़ी का नाम है पिक्सी, और ये हाइब्रिड स्मार्ट कार है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इस गाड़ी के जो दरवाजे हैं ये खुलेंगे इस टैब से, और गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं गाड़ी के साइडों से ऊपर की तरफ। तो ये जैसे मैंने कहा एक आम नैनो नहीं है, इसके दरवाजे जो हैं वो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं और ऐसे ही ये बंद भी हो जाते हैं। और ये जो है सारा का सारा इस टैब से ऑपरेट किया जा रहा है। पिक्सी स्मार्ट कार का एक टैब है, उसमें ओपन और क्लोज का बटन है, और जैसे ही इन्होंने ओपन दबाया आप देखेंगे कि दरवाजे जो हैं वो साथ ही में खुलने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द कार इज़ ओपनिंग अप। और ये स्मार्ट सिटीज़ इंडिया 2018 के एक्सपो पे दिल्ली में प्रगति मैदान में हम लोग इस समय खड़े हुए हैं, वहाँ पे ये गाड़ी है। अब आके एक बार मैं आपको गाड़ी के साइडों के पास लेके जाऊँ। ये जो गाड़ी है इट इज़ एक्चुअली अ स्मार्ट हाइब्रिड कार, तो ये पेट्रोल पे भी चलेगी और ये इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगी। जो आप देख सकते हो गाड़ी में ये चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ है। अक्सर हम लोग देखते हैं ये फोन्स में हमारे चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, और ये जो तार है इसकी ये एक्चुअली लगी हुई है इसी इलेक्ट्रिक बॉक्स में। और ये जो गाड़ी है ये हमारे साथ, मैं आपके साथ अब जुड़ूंगा। ये जो गाड़ी है पीछे जो आप देख रहे हो मेरे, ये एक्चुअली बनाई है ललित जी ने। ललित जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ललित कुमार जी जो हैं ये यूपी के जमशेद बुलंदशहर से हैं, सिकंदराबाद गांव से, और वहाँ से ये चले हैं। मैं आपको बताऊँ इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात कि ये 10 साल तक इन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी, और वहाँ से इन्होंने छोड़ी जॉब, और 8 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ये गाड़ी तैयार करी है अपने ये गैराज में। लैब इन्होंने अपना तैयार किया और इन्होंने गाड़ी तैयार करी। अब मुझे ललित जी मुझे बताना गाड़ी में क्या क्या है एग्जैक्टली, इसमें जो कितना चार्ज इसकी लेती है, कितना टाइम लगता है फुल चार्ज लेने में इसको? फुल चार्ज करने में करीब 5 आवर्स लग जाते हैं। हाँ जी। और ये लिथियम आयन बैटरी पे काम करती है जी, और लिथियम आयन बैटरी के अलावा इसमें एक पेट्रोल का इंजन भी लगा हुआ है। और मान लीजिए कि अगर आपका बैटरी पैक थोड़ा सा डाउन हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि बैटरी पैक इतना सफिशिएंट नहीं है चलने के लिए, क्योंकि मार्केट इंडिया में क्या जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना रेडी नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो स्विच टू द पेट्रोल मोड। हाँ जी। इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन भी लगा हुआ है, 250 cc का इंजन है इसके अंदर। हाँ जी। और ये धीरे धीरे अगर स्विच कर सकते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है इसमें, क्योंकि कोई फंसने का कोई चांस नहीं होता है। तो ये 250 cc का इंजन है इस गाड़ी के अंदर, 250 cc इंजन है, और आप गाड़ी के अंदर देखेंगे तो ये 2-सीटर कार है। दिस इज़ एक्चुअली अ 2-सीटर कार, और ये बेस्ड है एक नैनो के प्लेटफॉर्म पे, बट एक्चुअली गाड़ी के जो दरवाजे हैं ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं और इस टैब से ये ऑपरेट हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा कि हमने जब क्लोज दबाया तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली इसके दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही आप हम इसमें ओपन करेंगे, ओपन किया तो दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिकली खुलने शुरू हो जाएंगे। ये जो टैब है ये इनका लिंक्ड है गाड़ी के ब्लूटूथ से, एंड ओपन करते ही गाड़ी के दरवाजे खुलेंगे। गाड़ी में आपको 200 AH की बैटरी मिल रही है, और ये जो बैटरी चार्जिंग है यहाँ से इसकी होती है, 5 घंटे लगते हैं गाड़ी के फुल चार्ज होने में, एंड 100 किलोमीटर तक ये गाड़ी जो है वो एक फुल चार्ज में कर लेंगे। अब इस गाड़ी में जो पेट्रोल लिड है इसका, 10 लीटर का पेट्रोल इसका लिड है, यहाँ पे 10 लीटर का टैंक है, और गाड़ी की जो एवरेज है वो लगभग 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये पिक्सी है हमारे पास हाइब्रिड स्मार्ट कार, एंड देखने में इसके दरवाजे जो हैं जैसे आप देख सकते हैं वो इस तरीके से खुल रहे हैं। सो दिस इज़ द पिक्सी स्मार्ट कार, और इसके बारे में डैशबोर्ड में लगेगा। अब हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि जो टैब है वो डैशबोर्ड में ही लगेगा। डैशबोर्ड में इसका जो टैब है वो सेट हो जाता है, और गाड़ी के जो बैटरी का जो है अब आपके ऊपर है, अगर आप बैटरी पे स्विच करना चाहें तो आप बैटरी पे स्विच कर सकते हैं, चलाते हुए पेट्रोल पे स्विच करना चाहें तो पेट्रोल पे कर सकते हैं। द
दरवाजे खुलने और क्लोज करने का ऑप्शन यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स बैक का, एंड दिस इज द मेन ऑन एंड ऑफ बटन। बाकी जो गाड़ी है इसमें एक ऑटोनोमस मोड भी है, अगर आप ट्रैफिक में हैं तो ट्रैफिक में भी अगर आप बैठे हुए हैं तो इसमें अगर आप ऑटोनोमस मोड पे गाड़ी को छोड़ दें तो गाड़ी अपने आप जाके आगे वाली गाड़ी से 1.5 मीटर पहले ही रुक जाएगी और ट्रैफिक में अपने हिसाब से ये नेविगेट करेगी। सो दिस इज एक्चुअली, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज व्हाट द कार लुक्स लाइक। इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये एक नैनो जो होती है, जो आप सोच रहे होगे वो नहीं है, नैनो के एक बेसिक बॉडी में बिल्ट है। एंड दिस इज व्हाट तो ये है गाड़ी पूरी की पूरी जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, एंड दैट इज द पिक्सी दैट वी हैव विद अस। ये गाड़ी जो है पूरी की पूरी मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव पे है, इट्स बीन कम्प्लीटली बिल्ट इन साइड इंडिया, भारत में ही गाड़ी बनी है। और ललित कुमार जी जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये गाड़ी जो है, ललित कुमार जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और ललित जी ने ये गाड़ी जो है पूरी की पूरी डिज़ाइन करी है, अकेले डिज़ाइन करी है, एंड मेक इन इंडिया से होपफुली आपको बहुत जल्द सपोर्ट भी मिलेगा इसके लिए। गाड़ी का जो लाइसेंस है, यूज़ करने का लाइसेंसिंग, इसको कब तक हमें उम्मीद रखनी चाहिए? सर विद इन 6 मंथ्स के अंदर हम सोच रहे हैं कि इसका जो सर्टिफिकेशन है वो गवर्नमेंट के साथ कराने के लिए। 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर इसका सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेड है, और जो इसकी कीमत होगी वो 5 लाख से कम, 5 लाख से कम रहेगी इसकी कीमत। सो दिस इज व्हाट द पिक्सी इज ऑल अबाउट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इसको आप शेयर करें, इस लिंक को आप शेयर ज़रूर करें, बिकॉज ये गाड़ी जो है पूरी तरीके से इंडिया में बनी हुई है, तो हम सपोर्ट करें अपने एक नागरिक को जिसने बहुत ही